सीजीएसटी एवं सेंट्रल एक्साइज परिक्षेत्र लखनऊ के तत्वाधान में भक्त शिरोमणि संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से भव्य भंडारे का आयोजन मुख्यालय परिसर के गेट पर किया गया। भंडारे का शुभारंभ डॉक्टर उमाशंकर प्रधान मुख्य आयुक्त ने विधिवत पूजा अर्चन के उपरांत अपने हाथों से प्रसाद वितरण करके किया। इस अवसर पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों में श्री राहुल राजपूत, उग्रसेन धर द्विवेदी, प्रदीप तिवारी, निरीक्षक नेहा लाल, राकेश श्रीवास्तव, यतीश मणि, अनन्य सिंह, रश्मिकांत, सतीश कुमार, अतुल अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। भंडारे के कुशल संचालन में श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, गोविंद मिश्रा, सुनील कुमार, शरद मिश्र, अतुल गोविंद, प्रदीप तिवारी, अनिलेश राय, नारायण सिंह, विनीत यादव, अभिषेक त्रिपाठी, ओपी राय एवं आशीष गुप्ता सहित अन्य तमाम अधिकारियों ने श्रमदान कर अपना योगदान किया। प्रधान मुख्य आयुक्त सीजीएसटी एवं सेंट्रल एक्साइज के विशेष आग्रह पर लखनऊ स्थित विभागीय सभी कार्यालयों के विभागाध्यक्ष एवं उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम में सहर्ष प्रतिभाग किया एवं प्रसाद ग्रहण किया। मैं एडिशनल कमिश्नर सीजीएसटी लखनऊ एंटी रीजन। ये बड़ी स्वस्थ परंपरा है यहाँ की और ये वर्षों से इस परंपरा ये चली आ रही है, उसी के संबंध में हम लोग इस परंपरा का निर्वहन करते हुए इस बार ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार को भंडारे का आयोजन डिपार्टमेंट की तरफ से रखा गया है और सभी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जब से डिपार्टमेंट ये परंपरा यहाँ पे 12 साल से लगभग ये परंपरा का निर्वहन यहाँ पे किया जा रहा है और बड़े ही उल्लास के साथ हनुमान जयंती और ये जेठ के मंगलवार का ये भंडारे का आयोजन यहाँ पे किया गया। जनमानस हनुमान जी की शक्ति के, बुद्धि के, सारी चीजों के समरसता के प्रतीक है। कठिन से कठिन कार्य इनकी कृपा से संभव हो जाता है तो पूरे इस लखनऊ शहर को, पूरे देश को, पूरे हमारे डिपार्टमेंट को स्वस्थ रखें, समृद्ध रखें, खुशहाल रखें, पूरे जनमानस को खुशहाल रखें, यही बड़े मंगलवार पे हनुमान जी से प्रार्थना है, कामना है। इसमें जितने लोग आए हैं सबके लिए अनंत व्यवस्था की गई यहाँ पे कि कोई आए तो बिना प्रसाद के वापस न जाए। तो सुबह हम लोगों ने 11 बजे शुरुआत की है इसकी, हमारे चीफ कमिश्नर साहब ने इसके भंडारे का इनॉग्रेशन किया और उसके बाद जब तक भक्त लोग आते रहेंगे उनको प्रसाद का वितरण होता रहेगा। देशपद न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।